आने वाली 12 जुलाई को हमारा जागरण रहेगा विदेश में। 12 जुलाई को मस्कट में ऐतिहासिक भजन संध्या है और वहां से जितनी भी राशि आएगी, विदेश से जितनी भी दान राशि आएगी, ओम डिगणा उन राशि को उन गौ माता के लिए भेजेगा जहां पर हकीकत में शाम सुबह के चारे की व्यवस्था नहीं है। टोटल विदेश का पैसा राजस्थान आएगा, राजस्थान में हर गरीब गौशाला में उस राशि को भेजा जाएगा। जी धन्यवाद। बारला विदेश वाला ही कहवा एक बुलाओ, मैं क्यों हूं आई गयो ना हैंग फैक्ट्री खाली कराऊ तारी घना कमाओते बोले नहीं गया वास्ते। तो धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें मस्कट के बुलाया है। ये पी रक्षक जाजड़ा, रक्षक कहाँ है, रक्षक कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर पे ही है, सो गया पचो उठो। माटी रो गुलक है और जीरो वजन है लगभग लगभग 20 किलो बारे। ताली बजाओ एक बार जाजड़ा बंधुओं के लिए। इतना रुपया भेड़ा कर लिया और क्या वास्ते करिया कि पी गांव में ओम जीरो जागरण है और मंच मात ली जाए गऊ माता रे दान देना। आज मैंने बहुत बड़ी खुशी हुई, हर गांव में एक एक टाबरियो और गुल्लक भर भर रुपया को लावे। ये भी चाहता तो कुरकुरा खार टाइम पास कर लेता, चाहता तो कुरकुरा की थैली लिया फाड़ फेंक देता, लेकिन नहीं, एक एक रुपया इन्होंने मम्मी पापा से लिया और वो गऊ माता के लिए इकट्ठा किया। बहुत बहुत एक बार इनके लिए उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं तालियों के साथ। कितने रुपए इसमें गिनती नहीं, ये कहां से सीखा आपने, कहां से सीखा इकट्ठा करना, किसने बताया, किसने बताया आपको, कहीं देखा आपने, कहां पे, कहां देखा, किसी ने बताया क्या, किसने बताया, पापा जी ने, मम्मी जी ने, और यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब, यूट्यूब पर किसको सुनते हो, किसको बोल, किसको सुनते हो, बोल दो, बोल दो, कोई किसी को, बोल दो किसको सुनते हो आप, मुझे जानते हो, क्या नाम है, राहुल जी, क्या बात। तो ये रुपया वो घर ले जाओ, मेरे घर ले जाओ, क्या गौशाला में ना दूं, गौशाला में कहीं ले आऊं चारों। धन्यवाद, एक छापा ले आओ, कितनी बड़ी बात है, कितो ये मंच मात आनो भी बहुत लोग ना, हाँ बाटी गाटी आगे बजी भाई आटा बजना, हाँ आटा होना बहुत दौरो है, ई मंच पर चढ़नो भी बहुत दौरो है, जो को रिपियो गुलक भरन लेनो कितो कितनी बहादुरी नो काम है। एक से सूरवीर पुत्र के लिए एक बार और तालियां, भारत माता की, भारत माता की, सा बोलियो मन दियो सर, रिपियो भरियोड़ लाया सर, ये आपके लिए आज कल सुबह से एक शुरू और कर देना, कल सुबह से भरना स्टार्ट कर देना और वो टोटल पैसा अपने गांव की गौशाला में आएगा पक्का। एक बार बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या बात, ले जाओ वहां राग हकरी है, 3 बजे बाद मुकेश जी 2 भजन का बन है, हाँ अब वैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, हाँ चलोगे मेरे साथ, भजन गाना पड़ेगा, गाओगे, ठीक बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, धन्यवाद। कितनी भावना पवित्र, कितना बढ़िया संस्कार, बस आठों ही तो भारतीय आ जड़ स्टार्ट हुआ है, वो पौधो आठों जी स्टार्ट हुआ, टाबर ने आप आठों जरूर कर दो, गायों के प्रति भावना पवित्र रखो, रोटियां खुद नहीं पोजे, माँ तो खुदरो पसंद पसंद करे, रुपया 10 दिया जा दो कुरकुरे थैली लिया, आपने 3 घंटा की गली निकलेगी, वो टुकड़ो मांगे कौन, थैली चाट तो फिर गली नुमाए, सिर्फ एक दो रोटी नहीं बढ़ा सका आपा, है 10 रुपया आलस में बिन दिया 10 रुपया वो टिंगरे गयो यार, प्लास्टिक के 2 थैले लिए आयो, एन बैठो बैठो बे भोगिया खावे, खोचोड़ा तेल में तड़ी उड़ी, मोटो वेन के मारो कीड़ो कौन कर, थूक नहीं करती कहीं, 2 रोटी मांगी जो 2 बजे तो कुरकुरा मंगार जी माया रोटी को दी नहीं, अब मोटो वेन थारो कीड़ो करी कांच में कौन करे, इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दें, कटे पढ़ाओ कटे लिखाओ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा पढ़ाओ अच्छा लिखाओ अच्छा पढ़ाओ, लेकिन संस्कार मत गमाओ, संस्कार रिया तो देश बचा लो, संस्कार रिया तो घर बचा लो और संस्कार रिया तो राशन कार्ड बचा लो, बाकी अवनाला 10 साल के बाद में समय इतो खराब आवेला, इतो खराब आवेला, एकली बहन बेटी बाजार में सब्जी लो नहीं जा पावेला, इसलिए अपने बच्चों में संस्कार जीवता राखो, ये जागना जनी तो देवा जनी केवा जागना में, नहीं चाहूँ तो 4 भजन गा रवाना हो सकूँ, लेकिन नहीं
जिन काम खातर घर छोड़िया वो काम है गौ माता की सेवा और कम से कम अपना धर्म अपना देश बच जावे, इसी भावनाओं के साथ हमने ये घर छोड़ा है। बोलो गौ माता की। अपने बच्चों को पहली एक बात बता रही, बहुत बढ़िया बात बताई, जबकि बकरी वाली बात उदाहरण दियो, बहुत बढ़िया बात कर, मतलब हजारों नहीं लाखों बातों में एक बात टाल लिया कि दो घंटा गोनो जे घरे मोड़ आयो भी गेवाड़ ने ओड़वो ध्यान गोनो मोड़ो क्या आयो यार टाबरी छे छे घंटा मोड़ आवे, आज तक कौन पूछो ला तेरा मोबाइल चेक करा तूने किससे बातें की है, आज तक किसी से ये बात खारी लागे कई दिन गलत कमेंट आवे मारे खिलाफ छो आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कारों को बचा के रखे। आनंद जी सैनी, अशोक जी सैनी, गुदाराम जी गुजर, रामनिया जी गुजर, श्री राम प्रॉपर्टीज ग्रुप की ओर से श्री राधे कृष्ण का मंदिर गौशाला में, क्या बात है, गौशाला में मंदिर बनेगा यार, वो भी राधे कृष्ण को। अब ताली नहीं बजाएंगे तो देखें क्या सावरिया, आइएगा श्री राम प्रॉपर्टीज आ गया है, सावरिया नगर कॉलोनी पी, आनंद जी, अशोक जी भाई साहब, बुदाराम जी गुजर और रामनिया जी गुजर, राधे कृष्ण का मंदिर बनेगा जिसकी लागत है लगभग 5 लाख रुपए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जी। और आज की जागरण में 5 लाख तो मंदिर वास्ते दिया, अब कई मन में सोचेला मंदिर बना दियो गाया कहीं करी मंदिर के फेरी गई, इन्होंने चारे की व्यवस्था भी की है, 1,11,000 रुपए। जोरदार तालु से स्वागत शनि भाई और गुजर भाई, बहुत बहुत मैं निवेदन करूंगा फौजी साहब देवकुंड जी आप आ गए हैं और इन चारों गौ भक्तों का आपके हाथों से मान सम्मान करवाए, साफ आ लिया है दुपट्टा लिया है और भारतीय सेना के जवान जो सिपाही देवकर्ण जी भाई साहब आपके हाथों से इनका मान सम्मान करवाएं, 5 लाख रुपया मिंद्र वास्ते है और 1,11,000 रुपया गौ माता रे चारा रे वास्ते है, भगवान कालेटरा गौशाला 2100 रुपया, ये भी हो गया ये भी हो गया, ये पर्चियां सब एक आदमी के पास रखो साहब, तालियां कमजोर है, 6,11,000 की राशि आई है, हाँ आपने करणों को ताली तो बजानी है, ताली में पासवर्ड है, पासवर्ड आप कने एटीएम मेरे कने, पर थाने खाली ताली बजार नंबर दबाना जीता रुपया बारा जी, और रुपया कटो लाना किता लाना की कर लाना किन विधि लाना वो काम मारो, किता लाना वो ही काम मारो, थाने खाली पासवर्ड दबाना ताली बजार, बजाओ एक बार बस, अबे रुपया दिया 6,11,000 थे ताली थोड़ी छोकी बजा होता तो हाडी छेबी हो सकता, लेकिन थे कंजूसी कर ली ताली में, कर ली कंजूसी। अरे सांवरिया नगर श्रीराम प्रॉपर्टीज डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत चरु महरी बहुत मजबूत पूजा है, बात बात बोलो देवदान भगवान की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, बारमल जी छाबा कुंडरी अभी दुबई से लाइव देख रहे हैं, 11,000 रुपए भेजे हैं विदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद, मोबाइल नंबर उन्होंने बकायदा भेज दिए हैं और मॉर्निंग में आपके गूगल पे अकाउंट पे कर देंगे गौशाला के खाते में, ये पर्ची लो। जी